मिश्रा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने कही है कि वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है, अब उसको डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात आपने उनकी सुनी, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? क्या आपको, चूंकि आप हम लोगों में सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, सबसे ज्यादा आपने भारत की राजनीति को देखा है, तो जब भी मैं किसी भी अपने यहां जब सुनता हूं कोई विदेशी साजिश की बात करता है तो मुझे अचानक इंदिरा गांधी की याद आ जाती, जो एक जमाने में CIA का हवा खड़ा करती थी और 1970 72 73 के आसपास तो बहुत बड़ा नाम उसका हो गया था। तो क्या आप रहमानी साहब की इस बात से सहमत हैं, या आपको लगता है कि एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और यह प्रोपेगेंडा अपनी सरकार को बचाने के लिए और अगले चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है? आशुतोष जी, मैं जो है आपको पिछले कुछ दिनों की कुछ बातों को आपके सामने रखूं। यहां पर डोमेस्टिक सीन बताता हूं, फिर आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ चलता हूं। जी, इलेक्शन त्रिपुरा में है, कर्नाटक में तो नहीं जी। लेकिन कर्नाटक में गृहमंत्री जी जाते हैं और टीपू सुल्तान की बातें और उनके वंशज और उनको खत्म करना, ये करना, वो करना, JDU फलाना है, ये है की बातें करते हैं। कर्नाटक में इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन तो त्रिपुरा में, तो क्या जरूरत पड़ गई कि 11 तारीख को जाकर के ये नैरेटिव खोल। अब जब ये नैरेटिव खोला तो अब आप इसको पैटर्न को देखिए। हमने जो पैटर्न देखा गुजरात के हर इलेक्शन में देखा और अब तो ये अमूमन हर स्टेट के इलेक्शन में हो रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का इजाद हमेशा इलेक्शन से पहले हुआ है या जब भी गवर्नमेंट किसी किस्म के जो है रफ पैच से गुजरी है, चाहे वो 2002 के बाद भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, वो 2007 में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, वो 2012 में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमेशा रही, यहाँ तक कि भाई पाकिस्तान की मदद से गुजरात में मुख्यमंत्री बाहर से बिठाए जा रहे थे, कोई अहमद पटेल बिठाए जा रहे थे, ये सब चीजें हैं। तो ये जब आप इनको सब चीजों को एक सीक्वेंस में देखते हैं तो ये चीजें भी उसके साथ साथ आ जाती हैं आपके सामने कि जब भी कोई चीज शुरू होती है तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आके खड़ी हो जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके अनाउंस करना पड़ता है कि साहब ये थ्योरी है। अडानी का मामला हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वॉज इट अ फेलियर ऑफ आर ओन सिस्टम्स, मैं उसमें नहीं पढ़ता। लेकिन थिंग्स वेंट ऑन और आकर के ऐसे पॉइंट पर आया जहां पर वीकनेसेस सामने आ गए। अब फिलहाल की स्थिति देखिए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ थिंग्स। अभी अभी आपके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन $8.31 billion से गिरे हैं 11 महीने में, ये सबसे ज्यादा फॉल है। रशियन ऑयल इंपोर्ट से आपकी रुपी ट्रेड फ्यूटाइल हो गई है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। ट्रिब्यून की 11 तारीख की रिपोर्ट ये कहती है कि लॉबिंग इज परमिटेड इन द US, तो इंडियन फर्म्स ऑब्लिक somewhere aided by the government or not, have spent a record number amount of money on lobbying with US politicians. The amount would go into roughly, I would say, 800 crores since 2014, computed in dollars, and June 2019 to September 2022, 360 crores. Or $441 million. This is a report by Tribune quoting a story in the Caravan. अब जब आप इन सब चीजों को देखते हैं और लोकल मीडिया को देखते हैं, इंडियन मीडिया, लोकल मीडिया means indigenous media. Indigenous media stands largely neutralized. तो कभी पानी में कभी ब्रीच होता नहीं है। It will be filled up by somebody or the other. Indira Gandhi was India. That was the slogan at one point of time. And when emergency happened,
तो दो लेवल पे ब्रीच खुल गए, दो लेवल पे, एक एक गांव के लेवल पे खुले, जहां पर लीफलेट साइक्लो स्टाइल होकर के डिस्ट्रीब्यूट होने लगे न्यूज प्लग होने के लिए, और इसी तरह फॉरेन में हुआ। तो व्हेन अ नैरेटिव इज सॉट टू बी बिल्ट, देयर आर वेरियस अदर एस्पेक्ट्स जो होने लगते हैं। और जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट हैज टॉक्ड अबाउट इट, कि जब न्यूट्रल लोकल मीडिया यानी इंडियन मीडिया न्यूट्रलाइज हो गया है तो फॉरेन मीडिया हैज बिकम मोर एक्टिव, देयर आठ इंटरनेशनल मीडिया इंस्टीट्यूशंस ने डिमांड किया है कि कश्मीरी एक जर्नलिस्ट जो जिसे बंद किया गया उसे रिलीज किया जाए। जी, कहने का मतलब ये है कि एक नैरेटिव आप खड़ा कर रहे हैं, जिसको खड़ा कर रहे हैं आप विद अ सेट पर्पस, क्यों वो जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो चीजें भुला दी जाती हैं। गुजरात के इलेक्शन में हम और आप ही बात कर रहे थे जी, कितनी चीजें बढ़ रही थी, सडनली एवरीथिंग, इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, एवरीथिंग इज गॉन, इट्स फॉरगॉटन, सडनली टीपू comes up in Karnataka when the elections are in Tripura. That same thing, when you are taking the sight away, आप जब एक तरफ से ध्यान कहीं और ले जा रहे हैं तो वो दिखाई देने लगता है। और हम, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि आज इंडिया की हिस्ट्री में, इस देश के इतिहास में इतना मीडिया सेवी प्राइम मिनिस्टर कभी कोई नहीं आया जितने नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, ही अंडरस्टैंड्स द इंटरनल मैकेनिक्स ऑफ द मीडिया, छोटे छोटे मीडिया हाउसेस के भी इंटरनल मैकेनिक्स वो जानते हैं, और कहां किस चीज को, किस लीवर को प्रेस करने से क्या रिजल्ट आता है, वो गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट नोज। तो नैरेटिव क्या बनाने हैं वो भी सामने आने लगता है। तो मैं जो है, ऐसा कोई थ्रेट है, और इंडिया न तो पहले कभी इतना कमजोर था कि ऐसे किसी थ्रेट से हो जाता है। अगर कुछ नहीं था 1971 में और अमेरिकन गवर्नमेंट को दिखा दिया था क्या है, जब कुछ भी इतने वीक कंट्री कहा जाता था तो वी कुड शो दैट, तो ऐसा तो हिंदुस्तान में वो नहीं है कि कोई कुछ करके आएगा और कैरी अवे दिस कंट्री। आई डोंट बाय दैट। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।